एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज की तरह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा होता है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी बहुत तेज चीख की आवाज आती है। उसकी दोनों भेड़ें बहुत डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। चमन अपनी भेड़ों को यूं भागता देख घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? मेरी भेड़ें कहाँ चली गई? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। फिर चमन अपनी भेड़ों को ढूंढता ढूंढता जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी भेड़ों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यार, अब ये दोनों भेड़ें कहाँ चली गई? अगर मैंने इन्हें खो दिया तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं इन्हें? फिर वह बहुत देर तक इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तभी अंधेरा भी हो जाता है। मैं जंगल के बहुत अंदर आ गया हूँ, यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अरे भाई, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह भूत चमन की आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। आज तो मजा ही आ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भूत जी मुझे छोड़ दो, वैसे ही मेरी दोनों भेड़ें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं बिना भेड़ों के घर गया तो मेरी बीवी मुझे वैसे ही घर में घुसने नहीं देगी, और ऊपर से अब आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का तो दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तू मेरा शिकार है, तू बच के कहीं नहीं जा सकता। फिर इतना बोलकर भूत चमन के अंदर घुस जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर चमन अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसकी बीवी पहले से ही बहुत देर से उसका इंतजार कर रही होती है और वह बहुत गुस्से में होती है। आ गए, कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर आगे से देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा, समझ गए? और ये क्या, भेड़े कहाँ हैं? भेड़ों को कहाँ छोड़ा है? कहीं उन्हें किसी को बेच तो नहीं आए? हाय राम। ए, मेरा सर दर्द मत कर, घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया, अरे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गई रे, मर गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इन्हें क्या हो गया? इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, आज ये शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल जा यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है ठीक है, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। अरे ये आज इन्हें क्या हो गया? ये आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कल तक इनकी मेरे आगे आवाज भी नहीं निकलती थी, तो आज ये सब कैसे हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वह चमन के लिए खाना लेकर जाती है, चमन उसके हिस्से का खाना भी खा जाता है। उसकी पत्नी हैरान परेशान होकर उसे देखती रहती है। फिर चमन पेट भर खाने के बाद सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर, अजी सुनिए, सुबह हो गई, चलिए उठिए, काम धाम नहीं करना क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हे भगवान, लगता है ये पागल हो गए हैं। फिर वो भागती भागती पड़ोस के घर में घुस जाती है। चमन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वो जलने लगता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे अभी वापस अंदर जाना होगा। फिर चमन वापस अपने घर के अंदर घुस जाता है। एक गाँव वाला चमन को धूप में यूँ जलता हुआ देख लेता है, वो हैरान परेशान हो जाता है। बाल बाल बच गया, मैं दिन में बाहर नहीं जा सकता, मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? चमन भैया यूँ धूप में आते ही जलने क्यों लगे?
जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे ये बात बाकी सब गांव वालों को बतानी होगी। फिर वो भागता हुआ जाता है और बाकी के गांव वालों को सारी घटना के बारे में बताता है। कालिया भाई, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी भूत का साया है। जब से कल रात को ये जंगल से लौटे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कल रात को ये घर में पड़ा पूरा खाना खा गए, मुझसे बदतमीजी भी की, और इनकी आंखें भी भूत के जैसी लाल हो गई हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। फिर वे दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं। वहाँ पहले से ही कुछ गाँव वाले घर के बाहर खड़े होते हैं। फिर कालिया और अनीता घर के अंदर जाते हैं। ए चमन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। तेरी अनीता बहन के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बाहर आ, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। चमन को कालिया की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर चमन गुस्से में बाहर आता है। ए, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत मुझसे तेज आवाज में बात करता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गए रे, छोड़ मुझे, छोड़। चमन भाई मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अनीता भाभी की बातों में आ गया। तुम ठीक हो भाई? ये औरत ही गलत है, तुम उसके साथ सही कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। अनीता ये सब देखकर डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अनीता बहन, अंदर क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तभी चमन कालिया को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अरे मर गया रे, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। कालिया भाई, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। चमन ने मुझे बहुत मारा, हाय मेरी गर्दन ही तोड़ दी। तुम सही कहती थी, चमन के ऊपर जरूर किसी भूत का साया है। वो बहुत शक्तिशाली बन गया है, हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सही कहते हो कालिया भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चमन भैया जैसे ही धूप में बाहर आए, वो जलने लगे थे। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें किसी तरह इस भूत को घर से बाहर लाना होगा। लेकिन भाई ये भूत बहुत ताकतवर है, हम इसे घर से बाहर कैसे लाएं? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम घर की छत पर चढ़कर उसमें बहुत सारे छेद कर दें, जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर चली जाएगी और हमारी तरकीब काम कर जाएगी। अरे ये क्या, ये सूरज की रोशनी घर के अंदर कैसे आ रही है? लगता है इन्हें मेरी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? फिर वह भूत सूरज की रोशनी में तड़पने लगता है। अरे मर गया रे, अरे गांव वालों रुक जाओ, ऐसा मत करो। हाय मर गया रे, मुझे छोड़ दो। तुम जिस औरत की मदद कर रहे हो वो बहुत सालिम औरत है, वो इस बेचारे चमन पर बहुत जुल्म ढाती है। तुम चमन को तो मुझसे आजाद करवा लोगे, लेकिन इस पापी औरत से कैसे आजाद करवाओगे? भूत की सारी बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और अनीता की तरफ देखने लगते हैं। भाई भूत की बात में दम तो है, अगर हम चमन को इससे आजाद करवा भी लें तो फिर ये औरत उसके ऊपर जुल्म ढाएगी। इससे अच्छा चमन को ऐसे ही रहने देते हैं, ये भूत ही इस औरत को सही सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद चमन को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। आप बस चमन को इस भूत से आजाद करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें इस भूत को भी मारना नहीं चाहिए। इसने भी अनजाने में ही सही, लेकिन चमन की मदद की है। ए भूत, हम तुझे मारना नहीं चाहते। अगर तू चमन का शरीर छोड़ देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। बोल, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं धूप में बाहर नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा समय दे दो, जैसे ही अंधेरा होगा मैं इसका शरीर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, फिर रात होने तक हम सब यहीं इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अंधेरा होते ही भूत चमन के शरीर से बाहर निकल जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ देर के लिए अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को सही सबक सिखा दिया है।
आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं सताएगी। फिर इतना बोलकर वह भूत वहाँ से चला जाता है। चमन की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चमन से माफी मांगती है।